हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। 5 AM पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई day 6 के साथ में, और यहाँ मैं पहुँच गई थी स्कूल। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, बिकॉज़ गेम्स का फाइनल डे हो चुका था, और आज तो फुल डे बहुत ही बिजी था, क्योंकि यहाँ आज हमारे स्कूल में कल मींस 7 जनवरी की डेट पे मैथ्स एग्जीबिशन और फूड फेयर होने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन हम करवा रहे थे। मैथ्स एग्जीबिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली हुई है, तो ये बोर्ड डेकोरेशन, ये सब कुछ प्रिपरेशन, चार्ट पेपर, ये सब टॉपिक जो लिखना, ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर करवाया था। उनका स्क्रिप्ट रेडी करवाना, 10 10 50 50 टाइम्स, मल्टीपल्स टाइम्स इनका रिवीजन लिया कि ये कैसे बोल रहे हैं और कैसे ये रेडी कर रहे हैं। तो आज फुल डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, और उसी के साथ में आज मेरे पैरों में बहुत सूजन भी हो गई है, क्योंकि पूरे टाइम हम खड़े रह गए। आज बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिला। पेरेंट्स आ रहे थे, प्री स्कूल के टीचर्स आ रहे थे, सभी लोग बीच बीच में देख रहे थे, फुल प्रैक्टिस ले रहे थे इनकी। तो वैसे सर ने बहुत तारीफ़ भी की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए थे। और लेकिन फाइनल तो कल ही रिजल्ट मिलने वाला है, कल अप्रिसिएशन मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि इन लोग का सबसे बेस्ट हो सके, और कुछ लोग जो देख भी रहे हैं उन्होंने तारीफ भी की। अब देखते हैं कल क्या होता है। Okay, you have to explain all this one. 8 cube is 500. Okay, 8 cube means 8 multiplied by 8 multiplied by 8. 8 by 10. Okay, you have to just tell. Yes. Very nice. This is a calculator model. This calculator do help to do math. When we press this button, calculator is open. Then we do any types of math. My name is Aryan Das. Can we explain me about clock? Yes, clock has 3 hands. Second hand and third is second hand. Where is short hand? अभी इसका नंबर इधर तक। डिजिटल क्लॉक, दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज आवर हैंड, दिस इज आवर, दिस इज मिनट। सिक्स पी एम मीन्स 18 18, 12:30 PM मीन्स 12:30, 7 आस्क अस चूज एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बॉक्स। ओके, क्वार्टर पास्ट 8 8:50 दिखाओ ना, 8:50 क्वार्टर पास्ट दिखाओ मुझे। आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे टॉपिक हमारे KVS के सिलेबस में भी है, जैसा कि हमारे मैथमेटिक्स में मेजरमेंट, वॉल्यूम, टाइम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेप्स नेम, अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, ये सारे टॉपिक जो है हमारे KVS में मेंशन है। और ये सब कुछ 5th से अप टू 5th 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने ये मॉडल बनाए हुए हैं, ये सारा सिलेबस उसमें मेंशन है। तो ये हमारे टॉपिक से भी मैच कर रहा है KVS से। तो यहाँ बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था, कल फाइनल राउंड है इनका, तो अभी देखते हैं ये कितना करते हैं। उसके बाद मैं रूम पे पहुंच गई थी। आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो आज पैरों में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा रिलीफ के लिए पैरों को गर्म पानी में रखा हुआ था 15 to 20 मिनट के लिए, मुझे बहुत रिलीफ मिला। इस कंडीशन में अपनी मदर की बहुत याद आती है, क्योंकि मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ, मैं MP से हूँ, मेरा मायका MP में है, तो मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, तो मुझे ऐसे कंडीशन में लगता है कि मम्मा होती तो वो तुरंत सेवा करने लगती। और अभी कल जा कर के बहुत सारे काम करना है, रियल पैर तो अभी कल दर्द करने वाला है, क्योंकि मेन प्रोग्राम कल ही है। और मुझे आज स्पीच भी रेडी करना है कि हम मैथमेटिक्स एग्जीबिशन क्यों लेते हैं, वाई मैथ्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल इन डेली लाइफ, इन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा स्पीच देना है। और यहाँ पे मैं
बर्तन क्लीन करने लग गई थी और ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे। सो फ्रेंड्स, मुझे आज आपसे बात करनी थी, मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है तो मैं इतना जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो ये आपने अपने माइंड में सेट करके रखा हुआ है। मुझे भी पहले, मैंने वैसे तो मैथ्स ही सब्जेक्ट ली हुई है, बट मुझे भी फियर था मैथ्स फोबिया का, तो मैंने उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाई और मैंने जो सब्जेक्ट मुझे वीक लगती है मैं उसी की ओर भागती हूँ। ट्यूशन क्लासेस मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और कंटिन्यू मैथ्स के टच पे रही, मैथ्स मैंने सब्जेक्ट ही लिया। पहले मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, अब तो नहीं होती है। और उसके साथ ही आपको मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस मांगती है, इसे आप रट नहीं सकते हैं, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे आपको प्रैक्टिस में लाना ही होगा। लेट्स अज्यूम अगर आप नॉन स्टॉप 5 डेज स्कूल अगर नहीं जाते हैं तो छठे दिन भी आपको स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप 10 डेज 5 डेज अगर स्कूल आप जाते हैं तो 6 डेज अगर आप नहीं जाते हैं तो आप रूम पे बैठ के थोड़ा बोर ही फील करते हैं कि ओह आज का डे तो बहुत बोर हो गया। तो इस तरह से आपने एक हैबिट डेवलप कर ली, हैबिट डेवलप कर ली इट मीन्स प्रैक्टिस हो गई है आपको जाने की। इसी तरह से आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। इसमें एक सबसे अच्छा मोटिवेशन लाइन, मैंने एक वीडियो देख रही थी एक दिन तो मैंने देखा हुआ था कि वो उन्होंने अपने कि आप शॉप से 1 डब्बे पेन लेकर के आइए और रद्दी में 1 किलो पेजेस लेकर के आइए और उसे आप घिस डालिए, लिख लिख के मैथ की प्रैक्टिस कर डालिए, घिस डालिए, तो इससे आपकी मैथ्स जो है हवा में उड़ेगी। आंसर्स आप यू मल्टीप्लाई करेंगे, यू आंसर्स करेंगे कि आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि हाँ हमारी वीकनेस कहाँ थी। तो इसी के साथ मैं मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ टिप्स दूंगी मैं कि अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, ये उसे लाइटली नहीं लीजिए, उस पर वर्क करिए। और अब ये जो पुराने टाइम से जो फार्मूलाज को लोग लिखते आ रहे हैं वॉल्स पे, तो वो मेथड बिल्कुल सही था, उसे वॉल पे लिखिए। और हम मोबाइल के वॉलपेपर पे भी आजकल लोग तो लगाते हैं कि अगर मोबाइल से तो आदत नहीं हटने वाली है तो वहीं पे हम लगा करके फॉर्मूलेज को रिवाइज करने लगते हैं। फ्रेंड्स, 9:30 हो रहे हैं और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज मेरे स्कूल में मुझे बहुत वर्क भी दिया गया है, कल मैथ्स एग्जीबिशन है तो उसके लिए मुझे स्पीच भी रेडी करना है। व्हाई वी आर टेकिंग मैथ्स एग्जीबिशन, मैथ्स इंपॉर्टेंस इन आर डेली लाइफ, उसके बारे में कुछ स्पीच देना है। तो कल के लिए तो बहुत सारा काम है और मॉर्निंग उठते ही मुझे साड़ी लुक में रेडी होना है, तो साड़ी वाले लुक में तो उसमें हमें बहुत सारा मेहनत हो जाती है, तो खैर उसको तो करेंगे ही। तो चलिए तब तक थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, मैं स्पीच रेडी करूँगी और उसके साथ में आज मैं रीजनिंग लगाने वाली हूँ, छोटा सा टॉपिक लूँगी क्योंकि आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन भी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ, तो रीजनिंग तो मेरा जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। मैं लेट्स कम बैक टू द स्टडी। स्क्रिप्ट रेडी कर ली है स्पीच के लिए और बहुत अच्छा मैंने रेडी किया है, बट उसे मैं आज नहीं दिखाने वाली हूँ, कल मैं डायरेक्टली जब स्कूल में बोलूँगी तो उस वो वाला स्पीच में डालने वाली हूँ, दिखाऊँगी। इसमें मैंने लिखा है कि मैथ्स इम्पोर्टेंस क्यों है और उस पर एक पोएम मैंने रेडी किया हुआ है, उस पोएम को भी मैं कल बोलने वाली हूँ बट अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने रीजनिंग में आज 1 पेज सॉल्व किया हुआ है। मैं रीजनिंग का यूट्यूब से मैंने लिखा हुआ था कि टीचिंग फॉर टीचिंग एग्ज़ाम रीजनिंग, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने पहले ओवरव्यू लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केवीएस में। तो उस टॉपिक थे उसमें नंबर सीरीज, ऑड वन आउट पैटर्न, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रिलेशनशिप, क्लॉक एंगल्स, फेस अपोजिट डाइस, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, अल्फाबेटिकल मिसिंग नंबर, ऑलमोस्ट मतलब सारे टॉपिक को टच किया हुआ था। तो हमें
ऑल दो रीजनिंग तो 5 मार्क्स की आने वाली है पीआरटी में, बट हमें फिर भी थोड़ा सा टच करते हुए जाना है कि अगर डिफ़िकल्टीज लेवल टच करता है रीजनिंग की, तो हमें हर लेवल में स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, इनसे हमें पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये क्लॉक में जो एंगल्स निकालते हैं उसका मुझे फॉर्मूला भूल गया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन पहले से कर रही हूँ तो ये मुझे भूल गया था, तो इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ था, 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट माइनस 30 into hours। तो ये था आज के लिए डिफरेंट, बाकी मेरे से क्वेश्चंस बन गए थे, एक ही दो कुछ मिस्टेक हुए थे। तो इस तरह से मैंने रीजनिंग कंप्लीट किया। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।